नमस्कार, मैं फैंग्स ऑफ लियोन। आप देख रहे हैं TNB यानी टीम नो बेस्ट। आज का वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप CSGO में सबसे ज़्यादा FPS निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको ग्लोबल एलीट बनना हो या फिर आपको CSGO में कोई एक्सपर्ट बनना हो, तो आपके लिए सबसे ज़रूरत है पहला आपका स्किल और दूसरा आपका FPS। कोई ग्राफिक्स नहीं देखेगा, कोई आपका लो सेटिंग्स नहीं देखेगा, आपका FPS जो मैटर करता है आपको प्रो बनने में। तो अच्छे से सुनिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अगर आप ये सबसे मैक्सिमम ले जाना चाहते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि सबसे कॉमन स्टेप है, सबको जानता है कि वीडियो सेटिंग्स में जाके, वीडियो जो ग्राफिक सेटिंग्स है सब कुछ आप लो रखिएगा, एक्सेप्ट मल्टी कोर रेंडरिंग। ये आप ध्यान से सुनिए, मल्टी कोर रेंडरिंग के अलावा आप सब कुछ लो रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मल्टी कोर रेंडरिंग सबसे लो नहीं होना चाहिए। और दूसरा स्टेप ये है कि आप इन गेम रेजोल्यूशन को घटाकर इन गेम रेजोल्यूशन घटा दे और उसके साथ एस्पेक्ट रेशियो को भी 4:3 कर दे। एस्पेक्ट रेशियो आप दो तरीकों से रख सकते हैं, 4:3 ब्लैक बार्स और 4:3 स्ट्रेस्ड। स्टेप नंबर 3 है, आप FPS बेंचमार्क जो मैप है वर्कशॉप में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और उससे क्या होता है कि ये जो मैप है ये आपका जो सेटिंग्स है वो ट्विक करेगा, वो आपका सेटिंग्स चेंज करेगा। आप देख सकते हैं, आप कोई भी ऑप्शन लगाइए और आप चेंज कीजिए ये सेटिंग्स, एक सेटिंग से दूसरा सेटिंग्स जाइए, आप देखिए कि आपका FPS घट रहा है कि इम्प्रूव हो रहा है, और इसी हिसाब से आप सबसे अपना मैक्सिमम जो FPS जहां आपको मिल रहा है उसमें आप रख दीजिए बस, और आपको मिल जाएगा सबसे ज़्यादा FPS। और चौथा जो सेटिंग्स है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है दोस्तों, ये सेटिंग्स आप कभी मत भूलिएगा। ये सेटिंग्स मैंने अप्लाई किया है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने अप्लाई किया है और मेरे हिसाब से ये सेटिंग्स जो है यही आपको शायद 20-30 FPS ज़्यादा दे दे इसमें तो। लेकिन ये सेटिंग्स उतना आसान भी है, आपको उतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत कुछ करना पड़ेगा, नहीं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप स्क्रीन पे पिक्चर को देखिए और फॉलो कीजिए मैं जो कर रहा हूँ। पहले राइट क्लिक दबाइए, काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव इन योर गेम लाइब्रेरी इन द स्ट्रीम विंडो, देन सिलेक्ट प्रॉपर्टीज। एक विंडो खुलेगा, उसमें सेट लॉन्च ऑप्शंस में क्लिक कीजिए और इसमें ये कमांड लिखिए -NOVID। इससे आपका FPS बूस्ट होगा, और ये कमांड आप अगर देते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जो इंट्रोडक्शन, जो मतलब CSGO गेम खुलने के बाद जो इंट्रोडक्टरी जो वीडियोस होते हैं वो चला जाएगा, वो रहेगा ही नहीं, और इससे आपका FPS मैक्सिमम बूस्ट होगा। आप और भी कमांड्स लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो कमांड है यही काम ज़्यादा करता है, मेरे हिसाब से यही ज़्यादा काम करता है, और यही आपको भी ये हेल्प होगा काम करने, करेगा आप। और स्टेप नंबर 5 बिल्कुल आसान है, आपको ये 200 FPS क्या आपको इतना ऊंचा FPS आपको दिलाएगा कि माउंट एवरेस्ट तो छोड़ो, कोई भी आपको छू नहीं पाएगा, इतना ऊंचा FPS देगा, इतना ज़्यादा FPS देगा, 200, 300, 400, 500 कुछ भी देगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिस्टम 32 हटा देना है।
इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।